हेलो स्टूडेंट्स, जैसा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः जैसा सक्सेस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार आपको वीडियोस दे रहा हूं और खासतौर से मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि जूनियर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी परीक्षा अगर सबको सही रहता है तो बहुत जल्दी हो जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि समय कम है, पढ़ना ज्यादा है। तो इसी आधार पर जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप सिर्फ अंत तक मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं मैक्सिमम तैयारी अपने इसी चैनल पर आपके लिए करवाऊंगा। और इस क्रम में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको प्रतिदिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एजेस के हिसाब से राइटर रहे हैं, मोस्ट फेमस राइटर रहे हैं, उनके बारे में आपका परिचय कराऊंगा और साथ ही साथ उनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, उनके लिए मैंने कहा था कि मैं पर डे आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा। और इसमें अब तक मैं आपके लिए चौसर साहब से कनेक्टेड 4 वीडियोज में आपको दे चुका हूं। उसके बाद मैंने आपको सीरीज में स्टार्ट किया विलियम शेक्सपियर, जो कि हमारे एलिजाबेथन एज के राइटर हैं, और विलियम शेक्सपियर में मैंने एक पार्ट आपको दे दिया है, पार्ट 1, और आज विलियम शेक्सपियर के ही पार्ट 2 को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे विलियम शेक्सपियर के, वो चाहे 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो, 5 वीडियो, 6 वीडियो, 10 वीडियो, जितने भी मुझे देने पड़े मैं आपको दूंगा। आपका सिर्फ इतना करना है, अंत तक मेरे वीडियोस को देखना है, नोट डाउन करना है, बाकायदा नोट्स बना लीजिए आप। और अगर आपको मेरे वीडियो, मेरे क्वेश्चंस, मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कमेंट जरूर करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। जैसा मैंने ऊपर लिखा है विलियम शेक्सपियर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2, और इसके लिए मैंने अभी बोला आपको क्योंकि सबसे पहली परीक्षा आपकी है जूनियर सुपर टेट, तो जूनियर सुपर टेट से ही संबंधित मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी प्लेस वर पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो। कल मैंने आपको जो पिछला वीडियो दिया था पार्ट 1, उसमें मैंने कहा था कि शेक्सपियर साहब के 2 मित्र थे जिन्होंने की शेक्सपियर साहब के प्लेस का फर्स्ट फोलियो पब्लिश कराया था, और उन दोनों के नाम भी मैंने दिए थे। एक का नाम था जॉन हेमिंग्स और दूसरे का नाम था हेनरी कॉन्डेल। इन 2 जो साथी थे शेक्सपियर साहब के, इन्होंने शेक्सपियर के प्लेस को पहली बार पब्लिश कराया और उसमें शेक्सपियर साहब के कितने प्लेस शामिल थे ये आपका क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी प्लेस वर पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, ये आप अपनी तरफ से समझ लेना। ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, जब हम शेक्सपियर की बात करते हैं तो कुल मिलाकर फर्स्ट फोलियो में शेक्सपियर साहब के कितने प्लेस पब्लिश हुए थे, एंड द आंसर इज 36 प्लेस। आंसर क्या होगा आपका, 36 प्लेस। दूसरा क्वेश्चन आपका आता है, हाउ मेनी प्लेस वर नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो। शेक्सपियर साहब ने टोटल कितने प्लेस लिखे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो इस प्रश्न का जवाब आप स्वयं कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे, मैं अभी आपको आंसर नहीं बता रहा हूं। ठीक, हालांकि आंसर देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कितने प्लेस लिखे थे, लेकिन फिर भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, चलिए आप कमेंट बॉक्स में दे देना मुझे। तो हाउ मेनी प्लेस वर नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो, शेक्सपियर साहब के जो फर्स्ट फोलियो प्लेस का पब्लिश हुआ उसमें कुल मिलाकर कितने प्लेस शामिल नहीं थे, तो आंसर है आपका 2 प्लेस। कितने प्लेस शामिल नहीं थे साहब, तो आंसर है आपका 2 प्लेस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज फॉर यू, नेम द प्लेस दोज वर नॉट पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो। अब आपको उन दोनों प्लेस के नाम बताने हैं जो कि शेक्सपियर साहब के प्लेस के फर्स्ट फोलियो में पब्लिश्ड नहीं हुए थे, उन दोनों प्लेस के नाम बताने हैं। जब आपने आंसर दे दिया कि 2 प्लेस जो कि फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं हुए थे, तो तीसरा क्वेश्चन यही खड़ा हो जाता है कि आखिरकार वो 2 प्लेस कौन थे।
कौन से थे जो कि फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं हुए थे, एंड द आंसर है पहले प्ले का नाम है पेरिकल्स। क्या नाम है साहब? पेरिकल्स। और दूसरे का नाम है प्रिंस ऑफ टायर। पहले का नाम क्या है? पेरिकल्स। और दूसरे का नाम है प्रिंस ऑफ टायर। नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर इज अराउंड विच ईयर शेक्सपियर रोट हिज सोनेट्स। शेक्सपियर साहब सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर हुए तो एज अ ड्रामेटिस्ट, और ड्रामेटिस्ट के बाद अगर किसी रूप में मोस्ट पॉपुलर हुए तो वो है सोनेटियर के रूप में, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर साहब ने जितनी सोनेट्स लिखी हैं उतनी सोनेट्स आज तक किसी भी पोइट ने नहीं लिखी है, तो इनको वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सोनेटियर कहा जाता है इंग्लिश सोनेट्स का। अभी मैं आपको यह भी नहीं बता रहा हूं कि टोटल इन्होंने कितनी सोनेट्स लिखी हैं, ये मैं अगला क्वेश्चन आपको दूंगा। फिलहाल मेरा क्वेश्चन ये है कि विच अराउंड विच ईयर शेक्सपियर रोट हिज सोनेट्स। शेक्सपियर साहब ने लगभग किस वर्ष में अपनी सोनेट्स की राइटिंग की थी, सोनेट्स को लिखा था? द आंसर इज अराउंड 550-19। और ये बेटा मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये एग्जैक्ट है, पब्लिकेशन एग्जैक्ट है क्योंकि मैं आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, लेकिन इसको हम यही मान के चलते हैं अराउंड लगभग 1590 में, ठीक। क्योंकि यहां मैंने स्टार्टिंग भी की है अराउंड विच ईयर, मैंने एग्जैक्ट ईयर नहीं पूछी कि विच ईयर शेक्सपियर रोट इज सोनेट, नहीं पूछा, अराउंड विच ईयर शेक्सपियर रोट इज सोनेट्स, तो लगभग किस वर्ष में शेक्सपियर साहब ने अपनी सोनेट्स लिखी, एंड द आंसर इज 1590, एंड द आंसर इज 1590। स्क्रीनशॉट लें। अब इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है आज के वीडियो का, हाउ मेनी सोनेट्स शेक्सपियर रोट। शेक्सपियर साहब ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं? शेक्सपियर साहब ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो शेक्सपियर साहब ने 154 सोनेट्स लिखी। कितनी सोनेट्स लिखी साहब? 154 सोनेट शेक्सपियर साहब ने लिखी है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सोनेट राइटिंग से ही कनेक्टेड है, हु पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट, यानी कि किस बंदे ने, किसने शेक्सपियर साहब की सोनेट्स को पब्लिश कराया था? किस बंदे ने शेक्सपियर साहब की सोनेट्स को पब्लिश कराया था, ये आपको आंसर बताना है, एंड द आंसर इज थॉमस थॉर्पे, एंड द आंसर इज थॉमस थॉर्पे। तो अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि हु पब्लिश्ड कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स, एंड द आंसर इज थॉमस थॉर्पे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हेन थॉमस थॉर्पे पब्लिश्ड शेक्सपियर सोनेट्स। पहली बात, पहला क्वेश्चन आया, मैंने देखा कितनी सोनेट्स लिखी, उन्होंने कहा 154 सोनेट लिखी, ठीक। किसने पब्लिकेशन करवाया इनका, किसने पब्लिश कराई, तो आंसर है थॉमस थॉर्प। अब तीसरा क्वेश्चन यही पूछ लिया गया आपसे, व्हेन थॉमस थॉर्प पब्लिश्ड शेक्सपियर सोनेट्स, यानी कि थॉमस थॉर्पे ने शेक्सपियर साहब के जो कलेक्शन ऑफ सोनेट्स था उसको पब्लिश कब कराया था? द आंसर इज 20 मई 1609। आंसर क्या है? 20 मई 1609। ये आपका आंसर यहां बनता है। अब जैसे कि अभी मैंने आपको कहा था कि शेक्सपियर साहब ने अपनी सोनेट्स लिखी कब थी, तो उस क्वेश्चन का आरंभ मैंने अराउंड से किया, और जब आपको आंसर दिया कि 1590 में के अराउंड में शेक्सपियर साहब ने ये सोनेट्स लिखी थी, तब मैंने कहा था कि एग्जैक्ट डेट इनकी राइटिंग की नहीं है कि कब लिखी शेक्सपियर साहब ने, लेकिन इनका पब्लिकेशन जो है वो एग्जैक्ट है, और वो पब्लिकेशन कब है? 20 मई 1609 को। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेस एंड लीजेंडरी प्लेस डिपेंड ऑन। शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेस एंड लीजेंडरी प्लेस डिपेंड ऑन, यानी कि शेक्सपियर साहब के ऐतिहासिक और उनके जो लीजेंडरी प्लेस हैं वो किस पर आधारित है। यहां मैं पहले आपका एक मिनट लूंगा, बस ज्यादा नहीं,
शेक्सपियर साहब ने जो अपने ड्रामास लिखे हैं उन ड्रामास को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। शेक्सपियर साहब ने ट्रेजेडी लिखी, प्योर ट्रेजेडी। शेक्सपियर साहब ने कॉमेडीज लिखी, प्योर कॉमेडीज। शेक्सपियर साहब ने ट्रेजी कॉमेडीज लिखी, ठीक है ना। और शेक्सपियर साहब ने रोमांसेस भी लिखे, हिस्टोरिकल प्लेस भी लिखे, साथ ही साथ लीजेंडरी प्लेस भी लिखे हैं। ये मैं जब आपको एक दिन पूरा फुल शेक्सपियर साहब ने कौन कौन से प्लेस लिखे, किस प्लेस को कब लिखा गया, ये मैं पूरा आपको एक चार्ट बनाकर यही आपके सामने बनाऊंगा और आपको दूंगा। उसको आप विशेष ध्यान से देख लेना और मेरे उस वीडियो का विशेष ध्यान से वेट करना। आपके एग्जाम में उस वीडियो से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले हिस्टोरिकल है, कौन सा लीजेंडरी है, या कौन सा क्या है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ठीक। तो फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, शेक्सपियर्स हिस्टोरिकल प्लेस एंड लीजेंडरी प्लेस डिपेंड ऑन, एंड द आंसर इज, एक बुक है साहब जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। बुक का नाम क्या है? क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। और साहब लिखी किसने है? नाम है लिखने वाले का हॉलिनशेड। क्या नाम है साहब? हॉलिनशेड। तो हॉलिनशेड के द्वारा लिखी गई बुक जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, इस पर आधारित है शेक्सपियर साहब के हिस्टोरिकल और लीजेंडरी प्लेस। स्क्रीनशॉट लिया। क्वेश्चन नंबर 9 इसी क्रम में आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु कॉल्ड शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले है मैकबेथ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु कॉल्ड शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ एज एन आर्टिस्टिक सक्सेस, यानी कि किसने शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है। तो क्वेश्चन यह है कि हु कॉल्ड शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ एज एन आर्टिस्टिक सक्सेस, और द एंड द आंसर इज, एंड द आंसर इज टी एस इलियट, एंड द आंसर इज टी एस इलियट। अब आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन अब आरंभ होता है, हु कॉल्ड शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट, हु कॉल्ड शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट एज एन आर्टिस्टिक फेल्योर, हु कॉल्ड शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट एज एन आर्टिस्टिक फेल्योर, यानी कि किसने शेक्सपियर के प्ले हेमलेट को एक आर्टिस्टिक फेलियर बताया है, एंड द आंसर इज, सॉरी आई विल नॉट गिव द आंसर इन दिस वीडियो ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज नॉट आंसर्ड बाय मी बिकॉज आई जस्ट वांट टू नो दैट आर यू रियली फॉलोइंग माय वीडियो और नॉट, सो यू हैव टू गिव द आंसर of this question in the comment box of this video। आपने सही बताया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताएंगे सही तो मैं आपको next video में बताऊंगा। तो आज से एक इस श्रृंखला में मैं आपके लिए एक और नई चीज आरंभ कर रहा हूं कि जो मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें आपका एक क्वेश्चन ऐसा छोड़ा करूंगा जिसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा और उसका आंसर आपको देना होगा, ठीक है सर। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया जिसमें कि 9 के आंसर्स मैंने आपको दिए, और ये सभी आंसर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चंस जो कि कई पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो बस आप इसी प्रकार से मेरे वीडियोस को देखते रहें, लाइक कमेंट शेयर करें, और यदि आपने अब तक मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।